तो इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि SEO क्या चीज़ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये किस तरह जो है रीढ़ की हड्डी की जो है हैसियत रखता है आपकी वीडियो को वायरल या आपके चैनल को प्रमोट होने में। तो आज हम तीन SEOs की बात करेंगे। ये तीन टाइप का होता है, एक वाइट SEO, एक ब्लैक SEO और एक होता है ग्रे, यानी तीन तरह के होते हैं, वाइट हैट, ग्रे हैट और ब्लैक हैट। अब जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जैसे शाम इदरीस हो गया, वो भी जो है ब्लैक हैट जो है यूज़ करता है SEO, ताकि जो उसका चैनल थोड़ा सा प्रोमोट हो सके, डकी भाई ने बताया था। तो आज इन्हीं तीनों की हम बात करने लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वाइट हैट SEO क्या है। अब जो वाइट हैट SEO है ये बिल्कुल लीगल है, इसके अंदर कोई भी जो है गलत चीज़ नहीं है और ये बिल्कुल सही चीज़ है। इसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, यानी आपने वीडियो अपलोड कर दी अपनी यूट्यूब के ऊपर, अब उसके ऊपर अच्छे रिस्पॉन्स भी आएंगे और नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आएंगे। जो अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे उसको भी आप देखें कि मैंने क्या अच्छाई किया, और जो नेगेटिव रिस्पॉन्स आएंगे उसको भी आपने देखना है और अपने अंदर बेहतरी लानी है। इसको हम कहते हैं वाइट हैट SEO। उसके बाद जो है हमने इनक्रेज करना है लोगों को जो अच्छे कमेंट देते हैं, ताकि वो हमें फॉलो करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। लोगों को हमने अपने फ्रेंड्स को इनक्रेज करना है। इसी तरह हमने देखना है कि लेजिटिमिटी सारी रिव्यूज़ की देखते हैं कि जो नेगेटिव कमेंट आए हैं या पॉजिटिव कमेंट या लाइक या डिसलाइक आए हैं कि आखिर क्यों आ रहे हैं। इन चीज़ों को चेक करने को हम कहते हैं वाइट हैट SEO, यानी जो है हम नेगेटिव कमेंट जो आते हैं उसके ऊपर गौर करें कि क्यों आए हैं, साथ में लोगों को इनक्रेज करें, अपने जो अच्छे हमें कमेंट्स दे रहे हैं उनको इनक्रेज करें, लाइक करें और उनके लेजिटिमिटी को चेक करें कि क्यों आए हैं, ठीक है, नेगेटिव कमेंट या डिसलाइक वगैरह या लाइक जो भी है वो क्यों आए हैं। तो इसे कहते हैं वाइट हैट SEO। अब दूसरा आता है, वो आता है ग्रे हैट SEO। ग्रे हैट के अंदर कुछ चीज़ें सही हैं और कुछ चीज़ें जो है वो गलत है, यानी वाइट और ब्लैक दोनों को मिला के बनता है ग्रे हैट SEO। अब ग्रे हैट में जो पहला SEO पॉइंट क्या है कि हम जो है अपने व्यूअर्स को या जो भी है उसे हम इंसेंटिव्स मतलब पैसा या कोई भी चीज़ हम उनको ऑफ़र करते हैं कि हम तुम्हें ये चीज़ देंगे, तुम बदले में हमारी वीडियो को देखो या हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट करो या हमारी वीडियो को लाइक करो। नेगेटिव कमेंट नहीं करना, पॉजिटिव कमेंट करो और लाइक करो, हम जो है उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। दूसरा है कि हम अपने जो है जो हमारे दोस्त होते हैं या अपनी जो हम लोग ने गलत आइडिया बनाई हुई होती है, गूगल की फेक आइडिया, मुख्तलिफ अकाउंट, उनसे हम खुद अपनी वीडियो के ऊपर जो है वो कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और अपनी वीडियो के व्यू बढ़ाते हैं। यह दूसरा पॉइंट ग्रे हैट SEO का। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई हमारी वीडियो के ऊपर गलत कमेंट कर दे, तो अक्सर जो ताकतवर या बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे, आखिर तुमने हमारी वीडियो के ऊपर नेगेटिव कमेंट क्यों किया। हालांकि अगर नेगेटिव कमेंट उसने कर भी दिया, उसे अच्छी नहीं लगी तो उसका हक था, लेकिन अब आप उसके खिलाफ कहने के मैं एक्शन लूँगा, तो इसको कहते हैं हम ग्रे हैट SEO। ये सारे SEOs के रूल है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये तीन तरह के होते हैं। अब जो लास्ट है वो है ब्लैक। जो ब्लैक हैट SEO है वो किसी भी तरह सही नहीं है, इसलिए उसका नाम भी रखा है ब्लैक हैट SEO। इसके अंदर भी जो है पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है कि हम लोगों को मैसेज भेजते हैं पर्सनली, उन्हें ईमेल भेजते हैं कि भाई हमारी वीडियोस देख लो, हमारे चैनल को लाइक कर दो, हमारी वीडियो को लाइक कर दो और हमारी वीडियो पे कमेंट कर दो। हम उन्हें मैसेजेस भेजते हैं, बार बार भेजते हैं, बार बार ईमेल भेजते हैं और उन्हें हम तंग करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, अगर किसी ने हमारी वीडियो के ऊपर नेगेटिव कमेंट कर दिया, डिसलाइक कर दी, तो हम जो है अपनी जो फेक आईडीज़ होती हैं उससे उस बेचारे के चैनल के ऊपर जाते हैं और नेगेटिव कमेंट करते हैं और जानबूझ के उसकी अच्छी वीडियो को भी डिसलाइक करते हैं। इसी तरह तीसरा है कि हम उसके ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं। अगर कोई हमारी वीडियो को पसंद नहीं कर रहा है, हमसे जो है वो हमारी वीडियो को नहीं देख रहा, तो हम क्या करते हैं, पर्सनल अटैक उसके ऊपर शुरू कर देते हैं, उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। नंबर फोर पॉइंट बड़ा ही अहम है, और ये डकी भाई ने बताया था कि शामी इदरीस वगैरह भी जो है ये करते हैं। ब्लैक हैट SEO का यूज़ किस तरह करते हैं, क्या अगर आप शामी इदरीस की वीडियो के ऊपर कोई भी नेगेटिव कमेंट करते हैं तो वो वहाँ पर नहीं लिखा जाता, वहाँ पर ब्लॉक हुआ हुआ है, यानी डिलीट कर देना कोई भी नेगेटिव कमेंट को अपनी यूट्यूब पे से, सोशल मीडिया से, इसे भी ब्लैक हैट SEO कहते हैं। और तकरीबन जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ज़्यादातर ब्लैक हैट SEO ही यूज़ करते हैं। उसके बाद सिक्स हमारे पास पॉइंट आता है कि हम क्या करते हैं, हमारी वीडियो अच्छी हो या बुरी हो, हम जो है जानबूझ के अपनी फेक आईडी से उसको अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, ताकि हमारी वीडियो एकदम वायरल हो और
प्रमोट हो जाए। और फॉर जो लास्ट पॉइंट है ब्लैक हैट एसईओ का, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं ना, मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, एक किसी और ने बनाया हुआ है, तो मैं चाहूँगा वो मुझसे आगे ना निकले, तो मैं जल्दी जल्दी उसकी वीडियो पे जाऊँगा और उसकी वीडियो के ऊपर नेगेटिव कमेंट और डिसलाइक शुरू कर दूंगा। तो इसे कहते हैं हम ब्लैक हैट एसईओ। अब जितने भी यूट्यूबर्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए, वो ज़्यादातर जो ब्लैक हैट एसईओ यूज़ करते हैं। ब्लैक हैट बेशक पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए, लेकिन ब्लैक हैट एसईओ जो है वो है गलत काम ही। तो ये थे तीन SEOs, ब्लैक हैट SEO, ग्रे हैट SEO और वाइट हैट SEO। तो फ्रेंड, अगर आपने कुछ भी और पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे। अगर वीडियो और SEOs आपको समझ आ गया, पसंद आई, तो लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।